आईपीएल 2023 का चौथा मुकाबला सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें रविवार 2 अप्रैल यानी आज 3:30 बजे आमने सामने होगी। यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम कमान संजू सैमसन के हाथ में ही होगी, वहीं सनराइज हैदराबाद की कप्तानी भुवनेश्वर कुमार करते नजर आएंगे। दरअसल सनराइज के कप्तान एडन मार्करम पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रिटोरिया के बल्लेबाज एडन मार्करम की गैर मौजूदगी में सनराइज हैदराबाद थोड़ी सी कमजोर जरूर होगी, लेकिन फिर भी इस टीम के पास अच्छे विकल्प है। मार्करम की जगह एसआरएच की टीम में कीवी विकेटकीपर बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को मौका दे सकती है। एसआरएच का तेज गेंदबाज आक्रमण आईपीएल की बाकी टीमों के मुकाबले मजबूत है। स्पिनर्स में इस टीम के पास आदिल रशीद और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी है। बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर मजबूत है। कुल मिलाकर सनराइज हैदराबाद की टीम काफी संतुलित है। उधर राजस्थान रॉयल्स की टीम काफी मजबूत है। इस टीम का स्पिन डिपार्टमेंट अन्य टीमों के मुकाबले लाजवाब है। बल्लेबाजी में इसके टॉप 5 दमदार है। हालांकि पुछल्ले बल्लेबाज और तेज गेंदबाजी अटके में थोड़ी कमजोरी नजर आती है। ऐसे में कुछ मुकाबले में सनराइज हैदराबाद की टीम का पड़ा राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले भारी नजर आ रहा है। कैसी हैदराबाद की पिच आइए जानते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच सपाट है, यानी यहाँ बल्लेबाजों की अच्छी मदद मिलती आई है। यहाँ चेज करना आसान रहा है, ऐसे में टीमें यहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। यहाँ हुए पिछले दोनों T20 इंटरनेशनल मैचों के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही सफलता हासिल हुई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों टीमों में से आपका फेवरेट टीम कौन सा है और आज कौन सी टीमें जीतेगी। और इसी तरह के बातें जानने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।